आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। नए विद्युत कार्यपालक अभियंता सरताज कुरैशी ने किया पदभार ग्रहण। मधुपुर प्रमंडल में नव पदस्थापित विद्युत कार्यपालक अभियंता के पद पर सरताज कुरैशी ने पद ग्रहण किया। इससे पहले श्री कुरैशी ने कार्यकर्ता का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उपभोक्ताओं को ठीक ढंग से बिजली मिले, साथ ही आपूर्ति के हिसाब से राजस्व की वसूली हो। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर नए ढंग से राय मशवरा कर कार्य करने का पहल करूंगा। सरकारी योजना के द्वारा चल रहे कार्यों को जल्द पूर्ण कराने का भी प्रयास करूंगा। उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो इसका खास ध्यान रखूंगा। कार्य में कोताही करने वाले कर्मचारियों पर नजर होगी। अगर उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो वह सीधे हमसे संपर्क कर अपनी शिकायत रख सकते हैं। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अभी मधुपुर न्यूली क्रिएटेड डिवीज़न है। सबसे पहले इसको फुल डिवीज़न की तरह फंक्शन कराना है, जैसे और भी एग्जिस्टिंग डिवीज़न काम कर रहे हैं उस तरीके से इसको लाइन पे लाना है। उसके बाद काम रहेगा कि जो भी सरकार की विकास की योजनाओं की काम चल रही है उसको कम्प्लीट कराना है, उसको पूर्ण कराना है। और तीसरा काम जो बिजली बोर्ड का झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मेन वर्क है कि जितना बिजली हम बेच रहे हैं उपभोक्ता को दे रहे हैं उतना वसूली को सुनिश्चित करना है। तो किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो तो हमसे मिल सकते हैं। हमारा नंबर है, उससे बात कर सकते हैं या लेटर भेज सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिजली विभाग मधुपुर से किसी से भी किसी को प्रॉब्लम है उपभोक्ता को तो खुली तौर पर हमको चिट्ठी लिख के या किसी भी माध्यम से SMS से व्हाट्सएप से सूचित कर सकते हैं। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।